दूसरा है योग, योग से विकर्म विनाश। हम निरंतर योगी बने उसके लिए मुख्य आधार है अशरीरी होने का अभ्यास और पाप के साथ सच्चे दिल का प्यार। अशरीरी होने का अभ्यास और सच्चे दिल का प्यार। जितना जितना आप इस शरीर से अलग होंगे, आत्मक स्वरूप में टिके होंगे, उतना आपका कनेक्शन जुटा रहेगा। और जितना कनेक्शन जुटा उतना करंट आएगा, उतना ही आपके पाप जलते जाएंगे उस करंट के आधार से। अगर शरीर से डिटैच नहीं हो पाते हैं, आत्मक स्वरूप पे नहीं टिक पाते हैं, तो कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन नहीं तो करंट नहीं, करंट नहीं तो पाप जलेगा। तो पाप को जलाने के लिए आत्मक स्वरूप में टिकना जरूरी। लेकिन आत्मक स्वरूप में वही टिक सकता है। अभ्यास जो कर रहे हो वो सब कर रहे हो और सबको अनुभव है कि हम कितना आत्मक स्वरूप में रहते हैं। वो हर एक को जानता है कि कितना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मुश्किल है। लेकिन आप निरंतर आत्म अभिमानी बन जाओ, आत्मक स्वरूप में टिके रहो, उसके लिए जो आत्म स्थिति प्राप्त करने के लिए चार प्रकार की स्थितियां हैं, वो चारों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब निरंतर आत्मा स्वरूप में आ सकते। वो चार कौन सी है? पहला है देही अभिमानी, दूसरा है आत्म अभिमानी, तीसरा है विदेही और चौथा अशरीरी। ये चार शब्द आप सुनते हैं, देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी। इन चारों का आप अभ्यास करते रहेंगे, क्योंकि चारों का अभ्यास